Welcome to the town of Kakori, close to Lucknow. The place is well known for a famous incident in our freedom struggle, but I was there to see its built heritage. I am now inside the Dargah complex of the Kakori Sharif. The place dates to the late Mughal era, to a time after the Battle of Buxar, which was fought in October 1764, and in which a combined army of the Mughals, the forces of Awadh and those of Bengal, were defeated by the British. Let's hear more about the history of this place from the head of the Dargah. यहाँ की तारीख यह है कि हज़रत शाह मोहम्मद काज़िम कलंदर यहाँ तकरीबन 250 साल पहले तशरीफ़ लाए थे और बक्सर की फ़ौज में थे, लेकिन उनका कुछ दुनिया से दिल उचाट हो गया तो उन्होंने फ़ौज से कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ आके खानकाह कायम की और एक कुटिया थी छोटी सी, उसी में तशरीफ़ रखते थे और उसमें तमाम विदाउट डिफरेंस ऑफ द कास्ट एंड क्रीड पीपल कम किया, और उसमें ये था कि लोग आते थे, दुआएं उनसे लेते थे, हर मसलक के हर मज़हब के लोग आते थे उसमें, महाराज टिकत रहे आसिफुद्दौला के वजीर थे वो भी आते थे और भी थे, वारा लोग खानकाह कायम होती गई और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता लोगों का आना बढ़ता गया और पहली इमारत जो यहाँ बनी है वो माजा टिकत रहे ने एक ये कुआँ बनवाया और सामने दो दालान हैं वो बनवाए, तो 40 साल तक महाराजा टिकैत राय की बनाई हुई मस्जिद में, यानी समझिए जो इमारत थी उसमें 40 साल तक नमाज होती रही। टिकैत राय जी ने पुल भी बनाया ना, महाराजा टिकैत राय का पुल है, पुल ही पे काम लगा हुआ था, और हजरत कहीं तशरीफ ले जा रहे थे बाहर, वरना इजाज़त ना देते, कहते हैं फ़कीर आदमी हमें कुटिया ही काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं उसकी, लेकिन वो सारा वहाँ का जो था लेके आ गए यहाँ, और समझिए दो दिन के अंदर ये कुआँ और ये दालान बना, सैकड़ों लोग थे काम, ये वापस शिवरान का भाई ये क्या कर रहे हो, ये सब हमें फ़कीर को इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बन गई थी इमारत। तो भाई ये कम्युनल हारमोनी की खानकाह हैं जो है बेहतरीन मिसाल है। अब तो ये एक साहब हिंदू मुस्लिम का सवाल है, और एक हिंदू राजा की बनवाई हुई इमारत उसमें 40 साल तक पाँचों वक्त की नमाज, जुमे की नमाज, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज होती रही, तो कम्युनल हारमोनी की बेहतरीन मिसाल आपको अगर मिलेगी तो खानकाहों में मिलेगी और कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद फिर साहिबजादे शाह सोहराब अली कलंदर थे, वो भी हिंदी के बहुत बड़े शायर थे, और शाह मोहम्मद काज़िम कलंदर के साथ तो ये था कि वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति पर सूरदास के बाद किसी के इतना ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि उनकी एक दिवाली है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि बसंत है, भजन है, दादरे होते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक दिवाली नहीं सुनी होगी। शाह मोहम्मद काज़िम कलंदर की दिवाली है कि साधु आए खेलो ऐसी दिवाली, खेल की रीत हम जवन निकाली, जुआ जुआसों यह विध खेले, कौड़ी फेंके तो जीते हाली। काजिम आपका तहल्लुक था, नाम भी था शाहमद काम, फरमाते हैं काजिम हार के दर्शन जीते, काजिम हार के दर्शन जीते है ये दिवाली सबसे निराली, यानी अपने को त्याग दीजिए उसके बाद फिर उसके दर्शन तो हो ही जाएंगे आप। तो ये दिवाली जो ऐसी है कि एक बार बांडवे में एक काम था, हम लालजी टंडन के पास गए थे तो बहुत खुश हुए थे पढ़ के, और बाकायदा पढ़ी उन्होंने पूरी दिवाली, और कहा क्या कोई जुआ ऐसा भी है जो पूजा से बढ़ के है, फिर बड़े मज़े में ये शेर पढ़ा उन्होंने कि काज़िम हार के दर्शन जीते है ये दिवाली सबसे निराली। और उनके साहबजादे जो थे वो भी हिंदी के ब्रज भाषा के बहुत बड़े शायर थे, उनकी होली है बहुत मशहूर, अब की होली का रंग न पूछो धूम मची है बिद्रा बन मा, कृष्ण बिहारी चतुर खिलाड़ी खेल रहा होली सखियन मा, और मक्ता भी बड़ा अच्छा, बड़ी लंबी है, मक्ता भी बहुत अच्छा है, मकतब होता है जिसमें शायर का तखल्लुस होता है, मई का कहाँ वो ढूंढे पाए, मई का कहाँ वो ढूंढे पाए, मैं तो बसी हूँ तुराब के मन माँ, तो बहुत होली थी, भजन है उनके, बसंत है, आयो बसंत भयो मतवारी, इस तरह करके हिंदी का उनका कलाम है, और बहुत बड़े लर्नेड थे, लेकिन बहरहाल वो हर मसलक के लोग आते थे और आके उनसे फैजयाब होते थे, और अब भी ये है कि लोग आते हैं तो 90% नॉन मुस्लिम आते हैं हमारे यहाँ,
और अकीदे से आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, काम करते हैं, तावीज़ उनको देते हैं, दुआ देते हैं, उनको फ़ायदा होता है। हर मसलक के लोग अच्छा, अकबर का भी संबंध रहा है काकोरी से? नहीं, अकबर का ये, अकबर की आपसे अर्थ किया ना हमने कि अकबर की दाई यानी जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया था माही माथी का, उनकी कब्र है। आप तशरीफ ले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे गुंबद के अंदर उनकी कब्र बनी है, और बाहर हमारे जद मखदूम शेख निज़ामुद्दीन और शेख भीखा उनकी मज़ार खुले में है, और अकबर की जो दाई थी उनकी मज़ार अंदर है। Here is the innermost part of the Dargah complex, the tomb of Shah Muhammad Kazim Qalandar. The place is whitewashed, which may have covered older patterns of design earlier on the walls. Now it's time to leave the complex and check out Kakori's other attraction, its kebabs.